वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 13.2 एंड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ बैच ऑफ बॉटल्स ऑफ पैकेट इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है कि 25 बॉक्सेस में 12 बॉटल्स आती थी तो बाकी उसमें कितना आएगा। तो ये उसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे, अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो करेंगे हम वही 12 अपॉन 12 इंटू 25 जो है हम लिखेंगे, उसके बाद इक्वल में 20 इंटू x लेंगे, ये इंटू में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। ऐसा नेक्स्ट स्टेप में करना, फिर यहाँ से कट कर देना। ठीक है, इसको कट करेंगे, 5 5 जा होता है 24 और 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई किया 5 में तो 5 3 जा 15, देन आंसर हमारा आ जाएगा 5 15। ओके, नेक्स्ट ये भी ऐसे ही करना है। क्या लिखा है, 42 मशीन्स जो हैं वो 63 डेज में कंप्लीट होता है, तो 42 इंटू लिखेंगे हम 63, इक्वल क्या है 54, तो 54 डेज में कितना आएगा, तो ऐसा ही लिखना है हमें बस। अपॉन में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे इसके बाद, ये 42 इंटू 63 अपॉन 54 कट करें, 9 7 जा होता है 63, 9 6 जा होता है 54 और 6 1 जा 6 और 6 7 जा होता है 42 और 7 7 जा कितना होता है, 7 का 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 49। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ये आ गया 49 इसका राइट आंसर। इसको ऐसे करना है तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वैसे ही सारे क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। क्या लिखा है, 2 hours में कम्प्ली अ कार टेक 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन ऑफ वाई ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि एक जो कार है वो 2 hours में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है, तो आगे कितना समय लेगी अगर वो 80 किलोमीटर से चलेगी। तो करना वही है, वैसे ही लिखना है। यह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 60 इक्वल 80 इंटू x जो हमें फाइंड करना है। अब ये इंटू में है तो इसके डिवाइड में जाएगा, हमेशा जाता है वो, तो 2 इंटू 60 अपॉन 80, ये तो आपको कर ही देना है। एक क्वाल एक्स वैल्यू हमें फाइंड करनी, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 इंटू 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ये आएगा। ठीक है, तो 3 अपॉन 2 यानी इसका और हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया 3 अपॉन 2। और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 3 अपॉन 2 को, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कितना, 3 आ जाए तो 2 1 जा 2 बचेगा 1, तो ये आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 1 अपॉन 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। 2 persons could fit न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days, यानी persons कितने हैं, 2, और वो कितना कंप्लीट कर रहे हैं 3 days में। तो आगे हम देखते क्वेश्चन नंबर क्या लिखा, अगर हम 1 person करें, यानी कि जब 2 को कर रहे थे तो 3 डेज का टाइम लग रहा था, और अगर 1 person का हम यूज़ करते हैं कितने डेज का टाइम लगेगा, तो इसको वही हमें अपॉन में ही लिखना है। तो 2 अपॉन 3 इंटू 1 डिवाइडेड 1 इंटू इक्वल x हमें फाइंड करना, 3 2 जा 6 यानी 6 डेज का जो है वो हमें टाइम लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 डेज। आगे देख लेते हैं सेकंड क्या लिखा, हाउ मेनी पर्सन वुड वी नीडेड टू फिट दी विंडोज इन 1 day, यानी 1 day में कितना लगेगा। तो ये तो अपन कर ही चुके हैं, अभी ये आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 person। ठीक है, आगे क्या लिखा है, 8 periods जो हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं, 8 periods जो हैं उनमें 45 मिनट का ड्यूरेशन टाइम है। ठीक है, तो 9 period में कितना रहेगा, तो करना वही है, ऐसा लिखेंगे हम 8 इंटू 45 इक्वल 9 इंटू x। अब ये इंटू में है तो इसके डिवाइड में जाएगा, हर बार बताते आ रहे हैं एक से सभी एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो ये डिवाइड में आए, इसको कट करेंगे, 9 1 जा 9 9 5 जा कितना होता है 45, इस 5 और इस का मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो 8 5 जा होता है 40, तो राइट आंसर हो जाएगा 40, यानी कि 9 days में जो है वो 40 minutes का टाइम ड्यूरेशन आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ये आया 40 minutes। ठीक है, तो ऐसे ही सभी की मेथड ये रहेगी। तो बाकी अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पहले की वीडियोस को ज़रूर देखें। बाकी जो न्यू वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे 14 chapter को स्टार्ट। ओके।